चेतावनी देना चाहूंगी कि सत्ता पलटने में समय नहीं लगता। योगी ना आप जैसे डरे से लग रहे हैं। शेर जब दाड़ मारता है ना तो जितनी लोमड़ियां होती हैं ना। राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव सब कह रहे हैं ये अगस्त का महीना लास्ट है मोदी के लिए। कंधे से बड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। शब्दों में बोलूंगा वो सबसे बड़ा चोर आदमी है। योगी का कहना है क्रेज कम हो रहा है, उपचुनाव में हारने जैसी स्थिति आने वाली है। किसने बोला ये चीज आपको? अखिलेश यादव को बोलने दीजिए ना। जो देखो वही बात है ना, जो काम करता है उसका डंका बाजता है। वो अखिलेश यादव की बेशक वहाँ पे जो है पार्टी आ गई हो, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ कि चीज़ें पलटने में ना टाइम नहीं लगता। घमंड उतना दिखाना चाहिए जितना कि सामने वाला आप में मजबूती हो। जब आप में मजबूती ना हो और आप गलती से जो है जीत गए हो, उसके बाद अगर आप अपना कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड लेवल अलग लेवल पे लेके जा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी वाली आपको चेतावनी देना चाहूंगी कि सत्ता पलटने में समय नहीं लगता। रावण तो रावण का अहंकार भी नहीं बचा, तो आप चीज़ कहें आप किस जो साइकिल की जो आपकी पार्टी है वो गिरने में टाइम नहीं लगेगा। जब रावण जैसे का घमंड गिरा है ना, तो आपका घमंड गिरने में टाइम नहीं लगेगा। जो योगी ना आप जैसे डरे से लग रहे हैं, और यूपी के दो युवा एकदम पावरफुल हो गए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। सिर्फ बोलने की बात है। शेर को कभी आपने जो है डरते हुए देखा है? शेर जब दहाड़ मारता है ना तो जितनी लोमड़ियां होती हैं ना वो सारी जंगल में छुप के भाग जाती हैं। तो एक बार दहाड़ मारने की, वो अगर योगी जी ने गलती से एक बार दहाड़ मार दी ना, तो इनकी पॉलिटिक्स पार्टी वगैरह का कोई कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी रेलिवेंट नहीं बचेगा। मैं आपको एक बात बोलूँ, कुछ गलती हमारी है कि मैं बोलती हूँ काफ़ी बार कि बहुत ज़्यादा जो सेकुलर हिंदू बनते हैं, गलती हम हिंदुओं की है जो हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। हिंदू हिंदू नहीं रहता, हिंदू बट जाता है जातियों में। हिंदू बट जाता है कि मैं यादव हूँ, हिंदू बट जाता है मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू बट जाता है कि मैं बनिया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन हिंदू कभी हिंदू नहीं बनता, हिंदू कभी सनातनी नहीं बनता। आप जातियों में जब तक बटे रहोगे ना, तब तक आप जब जो है आप जातियों में बटे रहोगे तब तक कटोगे। तो इससे बढ़िया है कि हिंदू हो तो हिंदू बनो। कंधे से बड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, सबसे बड़ी बात है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, हम तो धर्म की राजनीति करते नहीं, विकास की राजनीति करते हैं। कौन कह रहा है ये चीज? अखिलेश यादव। ओ भाई, मेरे को दिल का दौरा ना पड़ रहा है। अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो हमेशा सत्ता में रही है। उन्होंने कहाँ कहाँ पैसे नहीं खाए हैं, कहाँ कहाँ अपने उन्होंने राजनीति के गंदे खेल नहीं खेले, आप मुझे ये बता दीजिए। जहाँ जहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, वो हमेशा जो है मोदी जी को गिराने की बात करते हैं। वो अगर उनमें इतना दम होता ना तो इंडिया गठबंधन नहीं लेकर आते, वो ना वो उसके साथ जुड़ते। मैंने आपको पहले ही बोला, शेर जो है वो अकेला चलता है, ये सारे लोमड़ी है, ये सब डरते हैं कि किसी तरीके से सत्ता उनके हाथ में आ जाए। साफ सीधी बात है। और मैं तो यही कहूंगी कि अभी वक्त है, जागो जागो जागो, जब तक आंखों में पट्टी रहेगी तब तक कटते रहोगे। इसलिए अपनी एकता दिखाओ और जागरूक बनो जैसे और सब बनते हैं। और कोई आपके राम के बारे में, श्याम के बारे में, शिव के बारे में कोई गलती से बोल दे, तो वो बोलने से पहले 100 बार डरे और सोचे कि किसी के धर्म के बारे में बोलने से पहले उनकी जो है दिमाग लगाए, वो उनकी जबान लड़खड़ानी चाहिए। इतना आपके अंदर साहस होना चाहिए, इतनी एकता होनी चाहिए। कह रहे वो भी तो, जिनको आप कह रहे हैं वो भी तो शिव भक्त हैं, कह रहे मैं विष पी रहा हूँ और मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी जनेऊ पहनता हूँ। वो वैसे वाले हिंदू हैं कि जैसे ही कैमरा आता है, जैसे मैं आपको बात बताऊं कि राहुल गांधी कुछ हो, अगर उनसे पूजा पाठ के बारे में कुछ चीज़ पूछ ली जाए कि पूजा कैसे होते पाठ कैसे होते, उन्हें कुछ नहीं पता होगा। दिखावे की ये सब दोगलापन नहीं चलेगा। अब दोगलापन खत्म करना पड़ेगा सभी लोगों को। राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव सब कह रहे हैं ये अगस्त का महीना लास्ट है मोदी के लिए, ये बैसाखी की सरकार ऑटोमेटिक चली जाएगी, रुक नहीं पाएगी। मोदी जी के बारे में बोला है, गलती एक बार होती है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार होती है, गलती 3-3 बार कहाँ दोहराई जाती है? मोदी जी कितनी बार जो है तीसरी बार है ना, तो ये दोगले मुझे समझ नहीं आता। जो ये उनकी बातों में आ जाते हैं उनमें खुद में दिमाग नहीं होता है क्या होता है, खुद अपना दिमाग खुद यूज करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 3-3 बार गलती कहीं नहीं होती है। ऐसा क्यों, क्या क्या वजह है कि आखिर में मोदी को कंटिन्यू किया जाए? क्योंकि ये जिस तरीके की विचारधारा ला दी है, जितनी बड़ी महंगाई चल रही है, रुका है क्या कोई काम?
महंगाई क्या पहले नहीं थी? जैसे जैसे तरक्की होती जाएगी, जैसे जैसे जो है साल पे साल बढ़ते रहेंगे, महंगाई तब भी होती जाएगी। अगर इस बात की क्या गारंटी है कि अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो महंगाई जो है घट जाएगी? कोई लिखवा के लाया है वो, कई सिग्नेचर करवा के लाया है वो, आप मुझे ये बताइए ना। बोलने को तो अगर मैं भी बोल दूँ कि कल को मैं रशिया की प्रेसिडेंट बन जाऊँगी तो मेरे बोलने से बन जाएंगी क्या मैं? तो ये तो खुद में दिमाग होना चाहिए आप में। वो सारी चीज़ें कौन सी गवर्नमेंट होती है जो नहीं चाहती कि जो है महंगाई घटे या फिर उसमें जो है कंट्रोल आए? कौन सी गवर्नमेंट नहीं चाहती? पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हाथ से नहीं संभाली जाती पर उसे संभालने की पूरी कोशिश करी जाती है। राहुल गांधी का लगातार क्रेज बढ़ रहा है कांग्रेस पार्टी के। कोई क्रेज नहीं है, वो 99 लेकर के अपने को ये 543 में 99 आए उनके, और उसमें उनका इतना वो हो गया कि हिंदुओं को हिंसक बोलने शुरू कर दिया उन्होंने, उन्होंने हिंदुओं के हिंसक बोलना शुरू कर दिया। तो ये उनका है, और ये नहीं पता जिनके लिए आप बोल रहे हो ना वही एक दिन आपको ख़त्म कर डालेंगे। समस्या क्या है, अभी 99 पे आए ना, तो इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। 60 साल इन्होंने राज करा, आज कहाँ होना चाहिए। 49 में 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, चाइना कहाँ पर है, और आज 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और आप देख लिए कहाँ पर हैं हम हैं। तो आज मोदी जी के आने से 10वें नंबर से 5वें नंबर पे पहुँचे, और अब आने वाले समय में 3रे नंबर पे पहुँचेंगे। तो कहने का मतलब ये है मोदी जी देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, और हमें आलू प्याज टमाटर के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें सबसे पहले देश के बारे में सोचना चाहिए। और देश जो है, देश हमारा पहले है, ठीक है ना, देश हमारा पहले है, ठीक है, देश हमारा पहले है। देखिए अफगानिस्तान का हाल देख लिया आपने, श्रीलंका का हाल देख लिया, अफगानिस्तान में देखा आपने क्या हुआ, सांसद और जितने भी लोग थे कहाँ भाग करके कहाँ छोड़ना पड़ा उन्हें, अपना सारी जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा सब छोड़ के भाग लिए ना। तो कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले हमारा देश है, तभी हम सब लोग हैं। कहाँ से? हम बनारस के हैं बेसिकली। ये उपचुनाव चल रहा है, वो माहौल गर्म है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये लोग जनता के सेवक नहीं है, ये कुर्सी की लड़ाई चल रही है जो दूसरे पार्टी में। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब सर विपक्ष अगर बात करता है हमारी महंगाई की, तो सर आप ये भी तो देखिए, अगर एक्सप्रेस वे बन रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो सुविधा भी तो हमारे लिए हो रही है। अगर सर महंगाई बढ़ रही है तो हमारे लिए सुविधा नहीं हो रही है। आप काम देखिए, सरकार कितना काम कर रही है, नितिन गडकरी एक्सप्रेस वे हाईवे वगैरह बनवा रहे हैं। अगर हमारी गाड़ी अच्छे से चलेगी, पेट्रोल कम खाएगी, हमारा सर खर्चा नहीं कम होगा। आप लोग महंगाई की बात करते हो हमेशा, सुविधा भी तो हमें मिल रही है। देखिए शेयर पालना अलग चीज़ है, ठीक है, पर जो एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पर मिडिल क्लास फैमिली को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, इवन मैं एक दिल्ली में आकर के अगर मैं कुछ खाना भी चाहूँ तो उसके लिए भी मुझे 18% GST के साथ टैक्स देना पड़ता है। पहली चीज़, आपको लगता है कि आप हर चीज़ में आप डेवलप कर रहे हैं, उसके साथ आपको थोड़े पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, पर आप ये भी देखिए कि उसकी वजह से आपकी ओवरऑल चीज़ें कितनी ज़्यादा प्रभावित होती हैं, ठीक है। आप 18% GST दे रहे हैं जो कि किसी भी तरह से वैलिड नहीं है, 18% वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पहली चीज़, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। तो पीछे भी सरकार लाना चाहती थी, ऐसा क्या उसमें अंतर? पहले GST की जगह वैट चलता था, पहले टैक्स तो उसमें भी था, जो बाकी के जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, बाकी जो टैक्स हटा के गवर्नमेंट GST लेके आई। भाई जो बात कर रहे थे खाने पर 18% GST है, खाने पर 5% GST है ओनली, खाने के ऊपर 18% नहीं है। और GST देखो, अब ये खाने की बात कर रहे हैं, अब मैं किसी 5-star होटल में जाके बैठूंगा तो वहाँ टैक्स मेरे को देना पड़ेगा। वही मेरा एक भाई है छोटा सा, उसने ढाबा खोल रखा है अपना, वहाँ पे कोई बिल तो जनरेट का होता नहीं है, खाना सस्ता भी मिलता है, वो टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। तरीके अपने अपने। अब मैं पिज्ज़ा खाता हूँ उसमें डोमिनोज में जाके, या बर्गर खाता हूँ मैं जाके, तो वहाँ मैं 80 रुपये का वहाँ पर महंगाई नहीं देखता। मैं 80 रुपये वहाँ पे करता हूँ, 18% GST पे करता हूँ, ठीक है, एक सैलरी भी लेता हूँ, वहाँ कोई किसी को महंगाई नहीं दिखती। वही मैं पिज्ज़ा, अगर मेरा कोई भाई ठेली लगा रखा है 10 रुपये में, वही पिज्ज़ा देता है या नहीं देता? 10 वो भी मैं खा सकता हूँ, पर नहीं है। कंपेरिजन लोगों को उससे करना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिडिल क्लास से हम भी आते हैं, हम नहीं खा रहे वहाँ जाके। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी संभाल नहीं पा रहे उत्तर प्रदेश। नहीं, संभाल पा रहे हैं पूरी तरीके से, ये तो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से संभाल पा रहे हैं उत्तर प्रदेश को। और 2027 में मैं दोबारा से पुनः CM बनेंगे योगी। ना 10, ये जो 10 उपचुनाव है ना, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उपचुनाव जहाँ भी है वहाँ पे भाजपा जीतेगी सभी सीटों पे, ठीक है ना, चाहे इंडिया गठबंधन जहाँ भी होगा वो सब हारेंगे वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस कमजोर हो रहा है इंडिया गठबंधन का?
देखिए, किसी भी सरकार की मोनोपोली ज़्यादा वक्त तक अगर रहती है तो वो गलत है। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, अगर जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, आप पहले के भी लोगों का अगर आप विचारधाराओं को रख करके देखेंगे तो उन्होंने भी कहा था कि मोनोपोली जो लीडरशिप में होती है किसी भी इलेक्शन में या किसी भी प्रजातंत्र में, राजतंत्र में, वो सबसे ज़्यादा घातक और ख़राब चीज़ होती है। वो कह रहे हैं किसी भी सरकार को, अगर किसी बड़े लेखक की बात सुनिएगा, इतिहासकार की बात जानिएगा, तो कहता है सरकार ज़्यादा लंबे दौर तक नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो मोनोपोली खराब हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार अच्छी तरीके से काम कर रही है देश के अंदर, जो सरकार अपना स्वार्थ ना देखते हुए आम जन के स्वार्थ के बारे में सोच रही है, ऐसी योजनाएं लेके आ रही जिससे सभी तरह के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, और देश में जो लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है उससे, जो पहले आपको भी पता है पुरानी जो सरकारें थी वो खुद कहती थी हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं वहाँ पे 15 पैसे पहुँचता है। अब क्या हुआ है, जब से डिजिटल इंडिया लेके आई है गवर्नमेंट, उससे क्या हो रहा है, जो सुविधा हैं, पैसा है, डायरेक्टली जो अपना आम आदमी उस तक पहुँच रही हैं सुविधाएँ सारी, चाहे कहीं भी चले जाओ। चाहे मैं आप बात करूं किसानों के लिए के, किसानों को जो इंस्टॉलमेंट जाती है वो टाइम से पे हो रही है, ठीक है ना। उसके अलावा देश में जो लोग मोहताज थे अपने बैंक अकाउंट्स के लिए, उनके आज अकाउंट्स हैं, ठीक है ना। और उज्ज्वला योजना के तहत उन लोगों को गैस कनेक्शन मिला हुआ है, प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको मकान मिल रहे हैं लोगों को, उसमें किसी भी तरह का कोई करप्शन नहीं है। आप एलिजिबल हो तो आपको मिल रहा है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में क्या है ना, जो पहले लोग क्या करते थे, गुंडागर्दी थी उनकी, बदमाशी होती थी क्षेत्र में अपने में, वो सारी बंद है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, पहले मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, वहां पे जतन सिरोही, रतन भाटी नाम के रहते थे, बहुत बड़े माफिया बदमाश हुआ करते थे, एक फ़ोन पे व्यापारी उनको लाखों रुपये का चढ़ावा चढ़ा के आते थे। अब वो सारा ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। और सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूँ, पहले लोगों के व्हीकल खड़े रहते थे घरों के बाहर, उठ जाते थे आए दिन गाड़ियाँ उठती थी। मेरठ में एक बाज़ार है गाड़ियों का, वहाँ पे वो कटती थी, ठीक है ना, वो बाज़ार पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। तो बहुत बदलाव हुआ है, जनता तो यही चाहती है, जो ईमानदार आदमी है जिसको ये चाहिए कि भाई मेरे को सरकार से ये नहीं कि मेरे को फ्री का कुछ फोकट का मिले, ठीक है। जो लोग अपनी मेहनत के ऊपर आगे बढ़ना चाहता है कि मैं भैया आगे मेहनत करके अपना अच्छा अपना जीवन यापन कर लूँगा, उन लोगों को सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों के लिए जिनका चोरी डकैती नहीं चल पा रहा है, भ्रष्टाचार नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना, इस तरह के धंधे नहीं चल पा रहे, उन लोगों को परेशानी है सरकार से। क्या कहेंगे भाई साहब, आप कहाँ से आते हैं? मैं यूपी प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से हैं। आपको क्या लगता है कि उपचुनाव किस हिसाब से जाने वाला है, किधर जाने वाला है यूपी? देखो, यूपी का उपचुनाव जो है वो पूरा भाजपा ही जीतने वाली है, ठीक है। देखो क्या होता है, ये जो चुनाव हुए हैं, जो सीटें कम हुई हैं, उसमें बहुत बड़ा गेम हुआ, झूठा अफवाह फैलाया गया। यहाँ पे अफवाह ये फैलाया गया कि अभी देखो चुनाव खत्म होने के बाद आपने देखा होगा कि कांग्रेस मुख्यालय पे लंबी लाइन लगी हुई है, 8500 खटाखट खटाखट। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, जनता को फरमाया गया था कि आपको चुनाव के बाद 8500 मिलेंगे, ठीक है, बट उनको क्या झुनझुना पकड़ा दिया गया 8500 के नाम पे, ठीक है। अभी जो महिलाएं लाइन में लगी थी, यादव कह रहे हैं कि योगी और इनमें केशव प्रसाद मौर्य में पट नहीं रहा, जम नहीं रहा। देखो अखिलेश यादव वही आदमी है, मैं उनको अपने शब्दों में बोलूंगा, वो सबसे बड़ा चोर आदमी है, वही अखिलेश यादव है, यहाँ वही अखिलेश यादव है। मैं वही प्रयागराज से हूँ जहाँ पर उन्होंने गुंडों को पनाह दे के, आतिक अहमद का नाम सुना है आपने? सुना है, ले जाके घर पे मारता था बंदों को, इतना खौफ रहता था आतिक अहमद का कि लोग डरते थे उसके नाम से। और वही बीजेपी, वही योगी सरकार आने के बाद मिट्टी में मिला दिया उसको। अब सारे गुंडे कहाँ बिल में घुस गए हैं कुछ पता नहीं है, वो बिल में घुसे पड़े हैं। अब योगी जी क्या कर रहे हैं कि बिल में पानी डालने का काम कर रहे हैं, और गुंडे निकल निकल के भैया हमको गिरफ्तार कर लो, हमको इनकाउंटर से डर लग रहा है। पहले क्या होता था, उनका हाथ रहता था किसका, सपा का, जो हमारे आप नाम लिए माननीय अखिलेश यादव जी। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे औरतें सुरक्षित नहीं हैं, वही मुलायम सिंह हैं जो बोलते थे भैया लड़कों से गलती हो जाती है, और वही योगी सरकार है कि अगर लड़कों से गलती हुई तो लड़कों को जेल भी नहीं पहुँचाएंगे, सीधे यम से मेल करवा देंगे, वही योगी जी हैं। तो भैया हम यूपी से हैं और हम योगी जी से बहुत खुश हैं, और हम ऐसे ही सरकार चाहते हैं, हम कोई टोटी चोर नहीं चाहते हैं, समझ रहे हैं।